और इस डेलीगेशन का मकसद ये है कि जो डिप्लोमेटिक मोशन है इस मुल्क के कि वो तेहरान में रीओपन करें सो द आंसर इज सऊदी अरबिया नेक्स्ट इज वट डिट इसराइली जेट्स हेट ऑन अप्रैल नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन रेस्पांस टू राकेट्स लांच टूवर्ड्स इसराइली कंट्रोल टेरेटरी ओवरनाइट नौ अप्रैल दो हज़ार तेईस को इसराइली जेट्स ने कौन सी जगह पर बम्बारी की है सो द करेक्ट ऑप्शन अपशन इज सीरियन मिलिट्री टारगेट्स यहाँ पर नीचे एक ट्वीट दिया गया है इसराइली डिफेंस फोर्सेस का इनका कहना है कि चूंकि सीरिया की तरफ से इनकी टेरिटरी पर मिसाइल लॉन्च किए गए थे तो इसके रिस्पांस में इनके जेट्स ने सीरियन मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया हुआ है नेक्स्ट इज विच कंट्री वॉज कार्ड अपान बाई इराकी गोजाइज फॉर एन एलेज अटैक ऑन सुलेमानिया एयरपोर्ट इन नार्दर्न इराक इराकी हुकूमत ने किस मुल्क को अपने सुलेमानिया एयरपोर्ट जो कि नार्दर्न इराक़ में है उस पर अटैक करने के लिए मुआफ़ी मांगने को कहा है सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ टर्की इराक का कहना है कि टर्की ने ड्रोन अटैक किए हैं उसके सुलेमानिया एयरपोर्ट पे जो कि नार्दर्न इराक में है हालांकि टर्की ने डिनाई किया है कि उन्होंने इस तरह की कोई अटैक नहीं की है नेक्स्ट इज व्हाट डिड नर्क कुरिया क्लेम टू हैव टेस्टेड ऑन अप्रैल 8, 2023 इन रिस्पांस टू साउथ कोरियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ड्रिल्स साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं तो इसके रिस्पांस में नॉर्थ कोरिया ने 8 अप्रैल 2023 को किस चीज़ को टेस्ट करने का क्लेम किया है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया है कि इन्होंने अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन का टेस्ट किया है जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये झूठा क्लेम है बट एनी वे anyway, नॉर्थ कोरिया ने ये क्लेम किया हुआ है नेक्स्ट इज विच अम्पायर हैज़ बीन नामिनेटेड बाई द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर द आई सी सी इंटरनेशनल पैनल ऑफ अम्पायर इन प्लेस ऑफ एहसम रज़ा हु हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द आई सी सी एलीट पैनल ऑफ अम्पायर्स पाकिस्तान का एहसम रजा रिसेंटली आई सी सी एलीट पैनल ऑफ अम्पायर्स को प्रमोट हुआ है तो अब उसकी जगह पाकिस्तान ने आई सी सी इंटरनेशनल पैनल ऑफ अम्पायर्स के लिए किस बंदे को नामिनेट किया है सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज अलीम डार नेक्स्ट इज Which festival has begin on April विच फेस्टिवल Nankana Sahib? नंकाना साहिब में अप्रैल नौ दो हज़ार तेईस को कौन सी फेस्टिवल की शुरुआत हुई है option here is Baisakhi festival. Baisakhi festival basically Sikh और हिंदू दोनों ये festival मनाते हैं इसका जो मेन फेस्टिवल है देट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल फोर्टीन लेकिन अप्रैल नाइन से ये शुरू हुआ हुआ है और ये दस दिन तक जारी रहेगा नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग टू यू इस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट Yellen. द ongoing reform रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक result रिजल्ट इन अ boost बूस्ट ऑफ हाउ मच the नेक्स्ट decade? यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलिन के मुताबिक जो आन गोइंग रिफॉर्म्स है वर्ल्ड बैंक के तो उसके रिजल्ट में जो लेंडिंग बूस्ट है अगले डिकेड में मतलब अगले दस साल में तो वो कितना होगा सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज फिफ्टी बिलियन डॉलर्स नेक्स्ट इज हु was द लास्ट लिविंग prosecutor from द Nuremberg trials who ट्राइड नाजीज़ फॉर genocidal वार क्राइम्स एंड has रिसेंटली passed अवे एट द एज ऑफ नाइन्टी थ्री कौन सा शख्सियत न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स का सबसे आखिरी लिविंग प्रोसिक्यूटर था जो कि अभी रिसेंटली तिरानवे साल की उम्र में फौत हो गया है न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स बेसिकली उन्नीस सौ पैंतालीस में जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया उसके बाद ये येम्बर ट्रायल्स वाली कमेटी बनी थी और इनका बेसिकली मकसद ये था कि वो नायजीज़ जो कि जो निसाइडल वार क्राइम्स में शामिल है उनकी ट्रायल किया जाए तो अभी ये कौन सा आखिरी बंदा है जो कि मर गया है सो द करेक्ट ऑफन इज डेंग ने क्रिस्चन फेस्टिवल है अप्रैल नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नौ अप्रैल दो हज़ार तेईस को कौन सा क्रिश्चियन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ ईस्टर हियर इट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट टाइम स्टेबलिस्ड